मोटापे के रूप में हम इसको जानते हैं। पिछले करीब 4 दशकों से मोटापे की जो व्यापकता है वो तेजी से बढ़ी है। लगभग 15% लोग पूरे विश्व में मोटे होने से प्रभावित हैं। आज एक महामारी के रूप में हम सबके सामने हैं। ज्योतिष हमारा इस मामले में क्या मदद कर सकता है? भारत संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और दोस्तों अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों एक शब्द है ओबेसिटी, या जिसको हम कहते हैं कि वजन बढ़ जाना, या जिसको हम मोटापा कहते हैं, और इसके बारे में हम काफी सुनते हैं। और प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, या हम कहेंगे मोटापा दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है मोटापे के बारे में जागरूकता और उसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है। और कहते हैं कि शरीर में अतिरिक्त या असामान्य वसा या चर्बी का जो 4 दशकों से मोटापे की जो व्यापकता है वो तेजी से बढ़ी है, और भारत में तो यह व्यापकता विश्व औसत से बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है। और वैश्विक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि लगभग 15% लोग पूरे विश्व में मोटे होने से प्रभावित हैं। अब क्वेश्चन यह है कि जब हम मोटापे की बात करते हैं तो इसको हम एक बॉडी मास इंडेक्स है, आपका वेट है और आपकी हाइट है, उससे हम इसको जानते हैं। और कहते हैं कि अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से 30 के बीच में होता है तो हम कहते हैं हमारा वजन बढ़ा हुआ है, उसको हम मोटापे में नहीं कहेंगे या ओबीस नहीं कहेंगे उसको जो है। लेकिन जब बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा हो जाता है तब हम उसको मोटापे में गिनते हैं, और अगर ये बॉडी मास इंडेक्स अगर 40 से ज्यादा हो तो ये समस्या जो है बहुत एक विकट समस्या हो जाती है। और जैसा हम जानते हैं कि मोटापे से हमारे शरीर में बहुत बीमारियां होती हैं और तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे हम कहें हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या बहुत तरह के कैंसर भी जो है वो मोटापे की वजह से होते हैं। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, गाउट है, या खास तौर से जो लोग अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, वो बुरी तरह से प्रभावित करता है। और आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि जो मोटापा है या जो ओबिसिटी है आज एक महामारी के रूप में हम सबके सामने हैं। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि मोटापे से होने वाली बीमारियों के कारण प्रति वर्ष 2.8 मिलियन लोग पूरे विश्व में मरते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो प्रोग्राम है ज्योतिष का है तो हमें देखना पड़ेगा कि ज्योतिष हमारा इस मामले में क्या मदद कर सकता है। ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं, 12 भावों की बात करते हैं, और अगर हम मोटापे का कारण अगर हम ज्योतिष से समझना चाहें तो हमें जो हॉरोस्कोप है हमारा, या उसमें जो 9 ग्रहों की पोजीशन है, स्थिति है, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि इनमें से जो गुरु या बृहस्पति या जुपिटर हम जिसको कहते हैं, ये मोटापे का एक मुख्य कारक ग्रह है। और इसके अतिरिक्त चंद्रमा है, शुक्र है, इनका भी जो है वजन बढ़ाने में काफी योगदान होता है। लेकिन जो मैलिफिक प्लैनेट है, अशुभ ग्रह हैं, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, इनके अगर प्रभाव होता है हमारी बॉडी के ऊपर तो हमारा जो शरीर है वो स्लिम और ट्रिम रहता है, ये मतलब मोटापा नहीं बढ़ने देता। और जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति या गुरु ग्रह वजन बढ़ाने में एक हमारी बड़ी भूमिका निभाता है, और ये बृहस्पति ग्रह ही है जो हमारे शरीर में जो फैट है या वसा है उसको बनाए रखता है, और इसी के कारण मोटापा है, अत्यधिक खाने की आदत है ये, और इसकी वजह से हमारा जो पेट है या हमारा शरीर है वो उसका साइज बढ़ता है, मोटापा हमारे अंदर आता है। और अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में स्थित है तो मोटापे से जुड़ी चिंताएं हमारे अंदर और बढ़ जाती हैं। लेकिन जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति इसके विपरीत होने पर काफी हद तक हम कहेंगे मोटापे पर हमारा नियंत्रण रहता है। और वैसे भी अगर हम गुरु के बारे में बात करें
तो जितने भी हमारे ग्रह हैं, जुपिटर इज द मोस्ट मैसिव प्लैनेट। इसके इतने सारे सैटेलाइट हैं, अभी तो 100 से ज्यादा सैटेलाइट एस्ट्रोनॉमर ने मालूम कर चुके हैं। तो ये कहते हैं कि इट इन इट सेल्फ इज ए सोलर सिस्टम, क्योंकि जो गुरु है, इसके इतने सारे सैटेलाइट हैं और इसका जो मास है वो पृथ्वी के मास से 317.8 टाइम्स भी ज्यादा है। और इसलिए जिनका लग्न स्वामी बृहस्पति होता है, क्योंकि हर राशियों का एक स्वामी प्लैनेट होता है, तो जिनकी लग्न का स्वामी बृहस्पति है, उनका देखेंगे शरीर जो है बहुत बेडोल होता है, विशाल होता है। और ऐसे लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन जो तामसी खाने की बजाय, ऐसे लोग क्या करते हैं, मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, नमकीन खाना बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए उनका जो शरीर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ग्रह शुक्र की हमने बात की कि शुक्र भी हमारे मोटापे को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ज्योतिष में जो शुक्र है वो सभी प्रकार के मीठे पदार्थ और जो स्टार्च तत्व होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ये खाने की जो हमारी आदतों को भी जो है, हम कहते हैं कि बढ़ाता है या हमें ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है। और इसका जो शुक्र का जो नेचर है, हर तरह के खाने का स्वाद लेने का स्वभाव देता है कि आप जो भी खाना खाते हैं तो बड़े स्वाद से खाते हैं, और जिसका सीधा प्रभाव हमारे वजन को तेजी से बढ़ाता है। परंतु खास बात यह है कि शुक्र हमारा जो एक मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट भी है, कि ऐसे व्यक्तियों का अगर शरीर बढ़ता भी है तो व्यक्ति जो है देखने में हमेशा सुंदर लगता है, और मोटापे के कारण उसका शरीर जो है वो बेडोल नहीं होता है। दूसरा चंद्रमा का कहा हमने कि चंद्रमा का भी बहुत बड़ा योगदान है, और चंद्र हमारे मोटापे का भी कारण है। चंद्रमा की स्थिति हमारे शरीर में जल का निर्धारण करती है, जिसके कारण शरीर में पेट का निकलना और वजन में वृद्धि होती है। और ये शरीर में सारे जितने भी हमारे लिक्विड हैं, तरल द्रव्य हैं, उनका कारक भी है। और आपने देखा भी होगा कि जिन व्यक्तियों का चंद्रमा जो है वो शुभ प्लैनेट होता है, लग्न से संबंधित होता है, तो ऐसे लोग हम कहते हैं ना, बहुत कुछ बच्चे होते हैं, चबी टाइप के होते हैं, गोल मशगोल जैसे होते हैं, और जन्म से वैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो राइट प्रोपोर्शन में होता है, और उनका वजन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मोटापे में तीन प्लैनेट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक हमारा बृहस्पति हुआ, दूसरा शुक्र हुआ, और तीसरा चंद्रमा हुआ। तो अगर हम शुरू से ही अपने हॉरोस्कोप को एग्जामिन कर लेंगे, और अगर हमें उसका कारण पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह हमें मोटा बना सकता है, और हम उसके उपाय करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्योतिष में बहुत ही सिंपल साधारण उपाय हैं जो हम सभी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, और मोटापे के कारण जो इतनी सीरियस प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर हम काफी हद तक जो है वो काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगले संडे फिर आपके सामने उपस्थित होंगे किसी भी एक रोचक विषय के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।